नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस के FB पेज पर पोस्ट हुआ ये सब, कर्मी पर गिरी गाज। बिहार की राजधानी में इस दिन हड़ताल पर रहेंगे ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर। सभी जिलों से आए शिक्षक रिक्तियों की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड इंटर के 22 लाख सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। सचिन तेंदुलकर का स्पेशल अर्धशतक हुआ पूरा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस के FB पेज पर पोस्ट हुआ ये सब, कर्मी पर गिरी गाज। इन दिनों बिहार में एक अलग सा दौर चल रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर खुद बिहार पुलिस के फेसबुक पेज से निकलकर सामने आई है। दरअसल बिहार पुलिस के ऑफिशियल पेज पर बीते दिन रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया गया था। बता दें कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए एक गाना गाया गया था, जिसके बोल मोदी जी गली गली में शोर न बांटे राउड जोड़ है। हालांकि 5 मिनट में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट अलग अलग जगह प्रसारित हो रहा है। वह इस वीडियो के पोस्ट होने पर बिहार पुलिस के द्वारा फेसबुक पर सफाई देते हुए कहा गया है कि सूचित करना है कि दिनांक 23 अप्रैल को सोशल मीडिया सेंटर में कार्यरत एक कर्मी के द्वारा बिहार पुलिस के फेसबुक पेज पर अनाधिकृत रूप से एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे संज्ञान में आते ही डिलीट कर दिया गया। उक्त कर्मी को सोशल मीडिया सेंटर के सभी कार्यों से वंचित कर दिया गया है तथा इस संबंध में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिहार की शिक्षिका गुजरात में रहकर उठा रही थी वेतन, मिला कठोर दंड। बिहार के खगड़िया की एक शिक्षिका गुजरात में रहकर बिना विद्यालय का मुंह देखे पिछले 5 महीने से गलत तरीके से अपना वेतन उठा रही थी, लेकिन जब उस शिक्षिका के कारनामे का पोल खुला तो उसका शिक्षा मंत्री के सामने रोना भी काम नहीं आया। और साथ ही अब उसे 18% सूद के साथ 4 महीने के वेतन की राशि वसूल की जाएगी। बता दें कि हम जिस शिक्षिका की बात कर रहे हैं उसका नाम सीमा कुमारी है। बता दें कि जब इस मामले की जांच की गई और शिक्षिका पर लगाया गया आरोप सच पाया गया तो DEO के द्वारा उस राशि को भुगतान करने की सजा दी गई, और अगर शिक्षिका उस राशि की भुगतान नहीं करती है तो ऐसे हालात में शिक्षिका को प्राथमिक सहित नीलाम पत्र वाद की चेतावनी दी गई है। बिहार की राजधानी में इस दिन हड़ताल पर रहेंगे ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर। ऑटो यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को आगामी 27 अप्रैल को विरोध करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इस विरोध के तहत 27 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर हड़ताल रहने वाले हैं, यानी कि इस दिन राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन नहीं होगा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाम से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन के लिए रूट तय किया गया था, जिसके विरोध में संघ के द्वारा बैठक बुलाकर औरतों को रूट परमिट देने के विषय पर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया कि 27 अप्रैल को सभी ऑटो ड्राइवर प्रशासन के खिलाफ विरोध में हड़ताल करेंगे। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। आज यानी कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में MP MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर की गई दायर याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पटना हाईकोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए 25 अप्रैल को सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की MP MLA कोर्ट में हाजिर होने के आदेश को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। दरअसल BJP सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देने को लेकर पटना सिविल कोर्ट स्थित MP MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसको लेकर MP MLA कोर्ट के द्वारा उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, जिसको फिलहाल पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई को की जाएगी। सभी जिलों से आए शिक्षक रिक्तियों की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नियुक्ति की तैयारी जोरों पर चल रही है। ऐसे में राज्य भर में शिक्षक नियुक्ति की रिक्तियों की रिपोर्ट आ गई है। अब शिक्षा विभाग इसकी जांच करने में जुटी है। बता दें कि इसको लेकर रविवार को विभाग का दफ्तर खुला और इस मुद्दे पर मैराथन कार्य हुआ, और फिलहाल विभाग के कर्मचारी इसे एक जगह संग्रहित करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि यह कार्य अगले 2 से 3 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि इस बार 3 लाख पदों पर नियुक्ति होनी है। हालांकि विभाग की ओर से पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। राज्य में इस दिन से लौटेगी गर्मी। राज्य के कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि राज्य के कई जिले अभी भी ऐसे हैं जहां फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहां बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव से राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कमी रहेगी। हालांकि
बताया कि 2 से 3 दिनों के बाद एक बार फिर से राज्य के तापमान में वृद्धि होगी और आप लोगों को गर्मी की मार झेलनी होगी। उत्पाद विभाग की टीम पर बिहटा में हुआ हमला। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस के द्वारा तस्कर की गिरफ्तारी की जाती है और साथ ही कई लीटर शराब भी बरामद किए जाते हैं। ऐसे में कई बार यह भी खबर निकलकर सामने आती है कि आम लोगों के द्वारा उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। ठीक ऐसा ही एक मामला पटना के बिहटा से निकलकर सामने आया है, जहां देर रात मुशेपुर गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा शराबियों को पकड़ने के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम के वहां क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस घटना के बारे में सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों के द्वारा टीम पर हमला करके 2 गिरफ्तार शराबियों को उनके परिजनों के द्वारा छुड़ाकर ले जाया गया। वहीं इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बिहार में शिक्षा और रोजगार की समस्या पर बोले आईजी विकास वैभव। लेट्स इंस्पायर बिहार टीम के जनक और पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी जिले में लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की जो समस्या है, उसे हम सब मिलकर दूर करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया और कहा कि पहले बिहार में जातिवाद हावी था, लेकिन आज इसका विपरीत है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार का भविष्य अच्छा हो, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर दूसरों की आलोचना करने के बजाय विकास पर ध्यान दिया जाए, तो बिहार का विकास दिन दोगुना रात चौगुना होगा। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 800 के पार। राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में लगभग 8 महीने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 857 पहुंच गई है। बता दें कि राज्य में जो 133 नए मामले सामने आए हैं, उनमें से अकेले बिहार की राजधानी पटना से 80 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 399 हो गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 56, गया में 52, पूर्णिया में 41 और खगड़िया में 40 एक्टिव मरीजों की संख्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 35,000 कोरोना जांच किए गए हैं। वहीं अगर देश की बात करें, तो देश में पिछले 24 घंटे में 7,178 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 65,683 हो गई है। बिहार बोर्ड इंटर के 22 लाख सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर में एडमिशन लेने के लिए 10,266 स्कूलों व कॉलेजों की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि इनमें सभी स्ट्रीम और वोकेशनल कोर्स को मिलाकर कुल 22,97,320 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इन 22,97,320 सीटों में से आर्ट्स के लिए 10,17,692 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं साइंस स्ट्रीम के लिए 9,80,569 सीटें और वाणिज्य संकाय के लिए 2,28,797 सीटें एडमिशन के लिए उपलब्ध है। राज्यपाल अलेडकर ने तेल एवं गैस के संरक्षण के लिए की अपील। आज यानी कि सोमवार को पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम तेल एवं गैस संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन करते हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेडकर के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही वजह है कि भारत में गैस की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब भारत पूरे विश्व में तेल की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने कहा कि हम जितना तेल और गैस का बचत करेंगे, उतना ही कम पेट्रोलियम का आयात करना पड़ेगा और फिर हम इस धन का उपयोग विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि तेल एवं गैस के संरक्षण के लिए आर्थिक, सामाजिक और वातावरण को ध्यान में रखकर उनका समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बता दें कि आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम का टैगलाइन ऊर्जा संरक्षण नेट जीरो की ओर है। सीएम नीतीश का ममता और अखिलेश से मुलाकात पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता ने कहा ये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर आज ममता और अखिलेश से मुलाकात पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा कहा गया कि विपक्षी एकता की वो मुहिम जो देश के अंदर लोकसभा चुनाव में उन्मादी सरकार को हटाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर साथ होंगे। इसके लिए सीएम नीतीश ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। अब वे दूसरी यात्रा में भी कई जगहों पर जाकर उन्मादी सरकार को हटाने के लिए गोलबंद करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता को गोलबंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता को गोलबंद करना और उसके लिए यह मुहिम मिल का पत्थर है। सचिन तेंदुलकर का स्पेशल अर्धशतक हुआ पूरा।
आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि सचिन तेंदुलकर का जन्म आज ही के दिन 1973 को हुआ था। बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने 10 साल पहले क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड अटूट है। मालूम हो कि आज भी सचिन दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में शामिल हैं। इसके अलावा आज भी उनके नाम कई अन्य रिकॉर्ड भी हैं। बता दें कि आज उनके जन्मदिन को लेकर कई खिलाड़ियों के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं, जिनमें वीरेंद्र सहवाग द्वारा शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि मैदान पर जो आपने कहा उसका उल्टा ही किया, तो आज आपके आइकॉनिक 50वीं बर्थडे पर तो आपको शीर्षासन करके विश करना ही था। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सचिन पाजी, आप जियो हजारों साल के दिन हो 1 करोड़। इसके साथ ही कई अन्य खिलाड़ियों के द्वारा भी सचिन तेंदुलकर को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार राज, मुटुल रंगीला, कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार सन्हा, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, योगेंद्र रजक, पवन सिंह, अनवर करीम खान, नागेश्वर राय, कन्हैया कुमार, वेद प्रकाश सिंह, नन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर आप उन्हें कैसे शुभकामनाएं देंगे। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।